हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास ट्वेल्थ का लेसन नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ा और उनके घटकों के बारे में जाना और आयु संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर सर्वप्रथम आयु संरचना क्या है इस टॉपिक के बारे में समझा था। आयु संरचना क्या है, आयु संरचना किसका भाग है, इनके बारे में पढ़ा था। तो सर्वप्रथम हमने इस टॉपिक की शुरुआत हमने जनसंख्या संरचना के साथ शुरू किया था, जनसंख्या संरचना के साथ। और हमने देखा बच्चों कि जनसंख्या संरचना क्या, तो हमने पढ़ा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न भाषा के लोग, धर्म के लोग और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, व्यवसाय, साक्षरता, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे जनसंख्या संरचना कहते हैं। फिर हमने देखा कि जनसंख्या संरचना का अध्ययन किस लिए किया जाता है, तो उसका कारण बताया था प्रादेशिक नियोजन और विकास, प्रादेशिक नियोजन व विकास। इसके लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना के बाद हमने इनके घटक पढ़े, क्या पढ़े, घटक। जनसंख्या संरचना के हमने 5 घटकों के बारे में पढ़ा। पहला था आयु संरचना या आयु वर्ग, दूसरा था लिंग अनुपात, तीसरा था साक्षरता, चौथा था व्यावसायिक और पांचवा था हमारा जनसंख्या संगठन। तो इस तरह हमने जनसंख्या संरचना के 5 घटक पढ़े थे, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, व्यवसाय संरचना और जनसंख्या संगठन। फिर हमने इन सब के विश्लेषण पढ़ा था कि आयु संरचना किसी भी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न आयु की लोगों को उसके उम्र के अनुसार उनके वर्गों में रखकर उसका अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। साक्षरता, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं उसे अंकगणित ज्ञान हो उसे साक्षरता कहते हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में कार्य करने वाले समूह को व्यवसाय समूह कहते हैं। और जनसंख्या संगठन जो जनसंख्या संरचना की परिभाषा थी वो स्वयं परिभाषाई लगभग होती है। जनसंख्या संगठन के अंदर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन होता है, ज्यादातर किसका होता है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन हम जनसंख्या संगठन के दौरान करते हैं। फिर हमने आयु संरचना के बारे में पढ़ा कि आयु संरचना की विशेषता क्या है। आयु संरचना की विशेषता पढ़ी तो हमने देखा विश्व के आयु संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ग 0 से 14 वर्ष, फिर दूसरा 15 से 64 और तीसरा 65 वर्ष से अधिक। 0 से 14 युवा वर्ग, प्रौढ़ा वर्ग और वृद्धा वर्ग, इस तरह उन्होंने 3 भागों में बांटा। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा बच्चों कि पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा पहले युवा के बारे में, युवा के बारे में विश्व के अंदर सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका में, और सबसे कम यूरोप में। याद रखना
विश्व के अंदर सबसे युवा जनसंख्या कहां पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर, सबसे कम यूरोप के अंदर। और यदि देश के आधार पर देखा जाए, देशों के आधार पर, तो सबसे युवा जनसंख्या कहां पाई जाती, सबसे कम युवा जनसंख्या कहां पाई जाती है? जापान में। कहां पाई जाती है? जापान में। फिर बाद में अपन देखते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या सबसे कम जापान में पाई जाती है। फिर अपन लेते हैं वर्धा जनसंख्या, सबसे ज्यादा वर्धा जनसंख्या कहां पाई जाती है? यूरोप महाद्वीप में। कहां पाई जाती है? यूरोप महाद्वीप में। सबसे कम अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। यदि देश के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्धों की संख्या कौन से देश में है? जापान में। कहां पर है? जापान के अंदर सबसे ज्यादा वर्धों की संख्या मिलती है। फिर हमने बच्चों पिछले वीडियो के अंदर यह भी पढ़ा था कि विश्व के अंदर लगभग 35.2% जो लोग है वो 15 से 64 आयु वर्ग के अंदर निवास करते हैं। 15 से 64 आयु वर्ग के अंदर क्या करते हैं? निवास करते हैं। और विश्व के अंदर सिर्फ 6.8% लोग क्या है? वर्ध है। 6.8% लोग क्या है? वर्ध है। और 35.2% लगभग लोग क्या है? युवा है। ये हमारे सवाल पुट अप हुए थे। इसके अलावा और बहुत सारे से सवाल थे जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक से आपसे सवाल पुट अप हो सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा बच्चों, वो विश्व स्तर पर पाए जाने वाले 3 आयु संरचना वर्ग की विशेषताएं क्या हैं उनको स्पष्ट करना है। तो विश्व स्तर पर पाए जाने वाले 3 आयु वर्ग, पहला आयु वर्ग है 0 से 14 आयु वर्ग, जिसे हम युवा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा वर्ग। फिर 15 से 64 आयु वर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ आयु वर्ग। और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्धा आयु वर्ग। इस तरह उन्हों को 3 भागों में बांटा गया। पहला बिंदु अपन लेते हैं 0 से 14 आयु वर्ग युवा वर्ग। विश्व की कुल जनसंख्या का 35% किस अवस्था में पाया जाता है? युवा वर्ग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? युवा वर्ग। तो मैंने आप लिया पर लिखा भी है 35.2% लगभग क्या लोग युवा वर्ग में रहते हैं, जो 0 से 14 आयु वर्ग से संबंधित होते हैं। और ये जो लोग होते हैं कितनी आयु होती है इनके बीच में? 0 से 14 आयु वर्ग। तो आपका सवाल यह पुट अप हुआ विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत युवा वर्ग है? तो 35.2%। कितना है? 35.2%। ठीक है बच्चों। और सबसे ज्यादा युवा कहां रहते हैं? याद रखना अफ्रीका में। कहां रहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा बुढ़ी जनसंख्या यूरोप महाद्वीप के अंदर। विश्व स्तर पर इसमें प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। और विश्व स्तर के ऊपर देखे जाए तो आयु संरचना के अंदर काफी प्रादेशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। विश्व के सभी देशों के अंदर जो आयु संरचना है वो एक समान नहीं है। किसी देश के अंदर वर्धावस्था के लोग ज्यादा निवास करते हैं, किसी देश के अंदर प्रौढ़ आयु वर्ग के लोग ज्यादा निवास करते हैं, और किसी देश के अंदर युवा वर्ग के जो लोग हैं ज्यादा निवास करते हैं। इस मिस यहाँ के सबके देशों के अंदर प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। विकसित देशों में 18.3% तथा विकासशील देशों में 32.2% जनसंख्या इस आयु संरचना वर्ग में है। यदि विश्व स्तर के ऊपर अध्ययन करें तो बच्चों इनके काफी प्रादेशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। विकसित देशों के अंदर देखा जाए तो 18.3%। विकसित देशों के अंदर कितना परसेंट? 18.3% जो लोग हैं वो किस अवस्था में पाया जाता है? युवा अवस्था में। जबकि विकासशील देशों के अंदर 32.2% जो लोग हैं वो युवा अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। विकसित और विकासशील देश क्या है उनके बारे में पहले भी बताया था। विकसित देश वो है जो विकास कर चुके हैं, और विकासशील देश वे हैं जो विकास के ओर अग्रसर है या विकास कर रहे हैं, उनको विकासशील
देश कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए विकसित देश में 18.3% लोग और विकासशील देशों के अंदर 32.2% लोग क्या रहते हैं, युवा वर्ग के अंदर निवास करते हैं। जिन देशों में जन्म दर उच्च है वह इस वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत अधिक पाई जाती है। और जिन देशों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए, जन्म दर, जहां जन्म दर अधिक है वहां पर युवा जनसंख्या अधिक है, जहां जन्म दर कम है वह युवा जनसंख्या क्या है बच्चों, कम पाई जाती है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए जिन देशों में जन्म दर उच्च होगी उन देशों के 0 से 14 के मध्य जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है विश्व के सभी देशों में एक समान नहीं पाई जाती। फिर अपन दूसरा वर्ग लेते हैं 15 से 64 आयु वर्ग संरचना, प्रौढ़ा आयु वर्ग। 15 से 64 आयु संरचना वर्ग कौन सा है, प्रौढ़ा आयु वर्ग। कौन सा आता है, प्रौढ़ा। इसमें देखते हैं प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या 15 से 64 वर्ग के अंदर रखी जाती है। प्रौढ़ा जनसंख्या किस वर्ग के अंदर रखी जाती है, 15 से 64 में। अगला बिंदु, यह जनसंख्या दूसरे वर्गों से अधिक होती है और जो प्रौढ़ा जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या और वृद्धा जनसंख्या की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। किनकी तुलना में, युवा और प्रौढ़ा की तुलना में, ये सॉरी युवा और वृद्धा की तुलना में प्रौढ़ा जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। इस वर्ग की जनसंख्या पचनशील आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक एवं जनांकीय दृष्टि से सबसे अधिक गतिशील होती है। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि प्रौढ़ा आयु वर्ग, या फिर सवाल उल्टा पूछ ले किस आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक प्रजननशील और आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक और जनांक की दृष्टि सबसे गतिशील होती है। तो याद रखना कौन सी, प्रौढ़ा आयु वर्ग की जनसंख्या। या फिर सीधा सवाल पूछ ले किस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक वाली होती है, तो कौन सी होगी, प्रौढ़ा आयु वर्ग। तो इसमें क्या आया है कि इस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वह बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रजननशील होती है। प्रजननशील का मतलब है अपने वंश की उत्पत्ति करने वाली होती है, नई पीढ़ी का निर्माण करने वाली होती है। तो अब शब्द आया प्रजनन, प्रजनन क्या है, सवाल पूछ ले प्रजनन क्या है, तो सजीवों द्वारा अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना, सजीवों द्वारा अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक जनन में दो प्रवृत्ति होनी चाहिए, मेल और फीमेल, और अलैंगिक में एक प्रवृत्ति द्वारा ही प्रजनन कर दिया जाता है। तो प्रजनन क्या है, तो सजीवों द्वारा अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, प्रजनन। और ये जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक और जनांकीय दृष्टि से सबसे गतिशील होते हैं, और यही जनसंख्या वृद्धि में क्या देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला बिंदु, किसी भी देश का विकास स्तर इस जनसंख्या वर्ग से संबंधित होता है, और किसी भी देश का विकास है वो किस पर निर्भर होता है, प्रौढ़ा आयु वर्ग पर। किस पर होता है, प्रौढ़ा आयु वर्ग। तो आपको पूछ लिया जाए जिस देश के अंदर प्रौढ़ा आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो वो किस विकास का सूचक है, तो आर्थिक विकास का सूचक है, सामाजिक विकास का सूचक है। मैंने आपको कल ही बताया था क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर कि यदि किसी देश के अंदर प्रौढ़ा आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो किस विकास का सूचक है, तो याद रखना आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का सूचक है। क्योंकि प्रौढ़ा आयु वर्ग कौन सी जनसंख्या कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या। और कार्यशील जनसंख्या होने के कारण वो आर्थिक विकास में भी योगदान देती है और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी क्या देती है, योगदान देती है। तो याद रखना बच्चों जिस देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या प्रौढ़ा जनसंख्या अधिक पाई जाती है उस देश का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास भी क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम अंतिम अवस्था ले रहे हैं तीसरे नंबर की, उसका नाम है 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, मतलब वृद्धा आयु वर्ग। कौन सा वर्ग है, वृद्धा आयु वर्ग। इसमें देखिए वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में अधिक पाई जाती है जहां जनांकीय
विकास क्रम पूरा कर लिया होता है। और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, जाकर जनांकीय जो आयु वर्ग जो प्रवृत्ति थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मतलब बूढ़े या वृद्ध आयु वर्ग के जो लोग हैं वो जनांकीय प्रवृत्ति को नहीं कर सकते। अधिकांश विकसित देश इस वर्ग के अंदर, और अधिकांश जो विकसित देश है वो इस वर्ग के अंदर, जैसे पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, जापान देश, वो कौन से वर्ग में आ रहे हैं, वृद्ध वर्ग में आ रहे हैं। कौन से पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, के अधिकांश देश और जापान, ये जो देश है वो वृद्धावस्था की जनसंख्या इसमें क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो बच्चों आपने देखा कि विश्व आयु संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो 0 से 14 आयु वर्ग जिसे युवा वर्ग कहा गया है, जिसके अंदर विश्व के अंदर लगभग 35.2% जनसंख्या है इस वर्ग में निवास करती है। और आपने देखा होगा कि विश्व के सभी देशों में यह जनसंख्या एक समान नहीं पाई जाती है, विकसित देशों में अलग है, विकासशील देशों में अलग है। फिर हमने देखा बच्चों दूसरी आयु संरचना 15 से 64 जिसे हम प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या कहते हैं, वह प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या है, वो प्रजननशीलता, आर्थिक विकास की दृष्टि से उत्पादक एवं जनांकीय संक्रमण की प्रवृत्ति अपने वाले वर्ग है। फिर अंतिम अवस्था पढ़ी थी हमने वृद्धावस्था, बच्चों वृद्धावस्था जो 65 वर्ष से अधिक आयु वाले जो वृद्धावस्था के रूप में जानी जाती है, इसके अंदर देखा जाए तो यह जनांकीय संक्रमण की अवस्था पार कर चुके हैं। अधिकांश किस देश में पाई जाती है, विकसित देशों के अंदर देखने को मिलती है। तो आपने देखा बच्चों इस तरह हम आयु संरचना के जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, उनके जो वर्ग थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा जो टॉपिक है अगला जो जनसंख्या संरचना का, वो है उनका लिंग अनुपात। क्या है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष के अनुपात का अध्ययन होता है। लिंग अनुपात में हमेशा बच्चों इसका अधिकार किसकी जानकारी मिलती है, स्त्रियां व पुरुषों के अनुपात की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना बच्चों, यदि पूछा जाए कि लिंग अनुपात में किसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, तो स्त्री और पुरुषों के अनुपात की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिंग अनुपात। आपको मालूम होना चाहिए, यदि सवाल आ जाए यदि किसी देश में लिंग अनुपात अधिक हो तो वह किस विकास का सूचक होगा, विकास का सूचक होगा। तो यह भी आप अंदर ध्यान रखना बच्चों, जब किसी देश के अंदर लिंग अनुपात की वृद्धि अधिक होती है तो उस देश का आर्थिक विकास भी अधिक होता है। कौन सा विकास होगा, इसमें भी आर्थिक विकास, क्योंकि वही देश के अंदर लिंग अनुपात अधिक होगा जहां स्त्री और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है, स्त्रियों के साथ कोई प्रकार का प्रताड़िता नहीं होती, स्त्रियों को पुरुष के समान समझा जाता है, उन्हीं देशों के अंदर क्या होगा, लिंग अनुपात अधिक होगा। बाकी सभी देशों के अंदर लिंग अनुपात की क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कमी। तो याद रखना, यदि किसी देश में लिंग अनुपात अधिक हो तो वो किस विकास का सूचक है, तो आर्थिक विकास का सूचक है। किस विकास का सूचक है, आर्थिक विकास का सूचक है। अब हम लेते हैं लिंग अनुपात की परिभाषा। देखो लिंग अनुपात की जो परिभाषा है वो विश्व स्तर पर जो देश हैं उनकी अलग है और भारत के अंदर अलग है। विश्व स्तर पर जो देश है उनकी अलग है, भारत के अंदर क्या है, अलग है। विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो प्रति 1000 स्त्रियों पर, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या कहलाता है, लिंग अनुपात। क्या कहलाता है बच्चों, लिंग अनुपात। विश्व स्तर पर तो यह परिभाषा हो गई। फिर इसका सूत्र पूछा जाए
तो आपको पता ही है विश्व के अंदर स्त्रियों की प्रधानता अधिक दी जाती है, स्त्री प्रधान देश ज्यादा है, इसलिए स्त्री को महत्व ज्यादा दिया गया है, इसलिए स्त्रियों को सूत्र के अनुसार नीचे रखा जाएगा, सूत्र के अनुसार कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा, और पुरुष को कहाँ रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। देखो विश्व की कुल पुरुषों की जनसंख्या, विश्व की कुल पुरुषों की जनसंख्या बटा विश्व की कुल स्त्रियों की जनसंख्या इंटू हजार यह हो गया हमारा सूत्र कौन सा, विश्व स्तर पर विश्व की कुल पुरुषों की जनसंख्या बटा विश्व की कुल स्त्रियों की जनसंख्या इंटू हजार। तो आपने देखा विश्व के अंदर प्रधानता किसको दी गई, स्त्रियों को दी गई, लेकिन सूत्र के अंदर ये कहां पर आती है, पुरुषों से नीचे आती है, पुरुषों से नीचे आती है और हजार के साथ वो जोड़ी जाती है। ये याद करने का ट्रिक है, ये सिर्फ क्या है, याद करने का ट्रिक है, बाकी कोई नहीं है, बाकी डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, विश्व की कुल पुरुषों की जनसंख्या बटा विश्व की कुल स्त्रियों की जनसंख्या, इस तरह भी आप याद कर सकते हो। फिर अपन लेते हैं भारत के अनुसार लिंग अनुपात ज्ञात करने के परिभाषा व सूत्र। भारत के अनुसार देखा जाए प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या या संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या, ये किसके अनुसार लिंग अनुपात की परिभाषा हुई, भारत के अनुसार, किसके अनुसार हुई, भारत के अनुसार। यदि इसके सूत्र की बात करें तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है, विश्व का जो सूत्र याद किया उसका ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट का मतलब उल्टा, तो इसमें विश्व के अंदर स्त्रियां बट्टे के नीचे थी, अब इसको ऊपर ले लो, भारत की कुल स्त्रियों की संख्या या पर कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या इंटू हजार ये किसका परिभाषा हो गई, भारत के अनुसार लिंग अनुपात ज्ञात करने की परिभाषा हो गई। अब बच्चों यदि आपसे पूछे भारत का औसत लिंग अनुपात, भारत का औसत लिंग अनुपात, भारत का जो औसत लिंग अनुपात है वो 940 है, कितना है 940, तो भारत का औसत लिंग अनुपात 940 है, और फिर विश्व का औसत लिंग अनुपात यदि 2004 के अनुसार देखा जाए तो 985 है, कितना है 985। तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो 940 है, और 2004 के जो जनगणना है विश्व की उसके अंदर 985 लिंग अनुपात है। फिर बच्चों आपको मालूम है कि जो विश्व के प्रत्येक देशों का लिंग अनुपात एक समान नहीं है, किसी देश के अंदर लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है, किसी देश के अंदर लिंग अनुपात कम पाया जाता है। यदि हम विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात की बात करें वो यूरोप महाद्वीप का है, किस महाद्वीप का है, यूरोप, 1072, कितना है 1072, याद रखना। तो याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला महाद्वीप कौन सा हुआ, यूरोप महाद्वीप 1072, और भारत के अंदर यदि लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो केरल राज्य का है, किसका है, केरल राज्य का है, और सबसे कम हरियाणा राज्य का है।
अब जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर बच्चों हम लिंग अनुपात की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि विश्व के अंदर लिंग अनुपात की कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है और इसके अंदर हम विश्व के जो प्रत्येक जो महाद्वीप हैं उनका लिंग अनुपात कितना है उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है, ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण सीधा प्रभाव हमारे देश के ऊपर या विश्व के अंदर स्त्रियों के ऊपर पड़ता है और जिसके कारण लिंग अनुपात क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और साथ में हम बच्चों उस टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे जिससे हम किसी प्रदेश के अंदर कहां कितना लिंग अनुपात पाया जाता है उसका हम आसानी से अध्ययन कर सके। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने आयु संरचना के जो वर्ग थे जो तीन उनके बारे में विश्लेषण साथ अध्ययन किया है, साथ में आपने लिंग अनुपात की जो परिभाषा है जो सूत्र है उसके बारे में भी आपने अध्ययन किया है। थैंक यू।